बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो मिफ्ताही चैनल से है और यह है पार्ट 61 और वीडियो का टॉपिक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए। तो आप लोग मिफ्ताही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इनके चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस पार्ट 61। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसी खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 61वां हिस्सा यानी पार्ट 61 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 60वें हिस्से में क्या सुना, यानी पार्ट 60 में क्या सुना। हमने पार्ट 60 में सुना गज़वे बनू मुस्तलक के बारे में, ये जंग क्यों हुई, किस तरह हुई और किस तरह मुसलमानों को फतह नसीब हुई, और इसी जंग में मुसलमानों को खूब माल गनीमत भी मिला। लेकिन इस जंग में बहुत सारे मुनाफिक भी शरीक थे, जिसमें मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई भी शरीक था। उसने इस जंग में कुछ किया तो नहीं, लेकिन सिर्फ आग लगाने का और तोड़ पैदा करने का काम किया। एक छोटे से झगड़े जो अंसारी और एक महाजिर साहबी के बीच में हुआ था, उसने उसको इतना बढ़ाया, इतनी हवा दी कि यहाँ तक कि उसने कहा कि मदीना जाकर हम इज्जत वाले यानी अंसारी लोग महाजिरों को निकाल बाहर करेंगे, यानी मदीना से निकाल देंगे। और ये बात हजरत जैद बिन अरकम ने सुनी या फिर किसी तरीके से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। जब हजरत जैद बिन अरकम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंचाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सदमा हुआ, बेहद दुख हुआ, और सहाबा ने अब्दुल्ला बिन उबई को खूब लानत और मलामत की। चलिए अब आगे सुनते हैं। उधर कुछ अंसारी सहाबा को जब ये बात मालूम हुई तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक के पास गए और उसे कहने लगे कि देखो, अगर तुमने ये बात कही है तो जल्दी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस बात का इकरार कर लो, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी इस बात से गहरा सदमा पहुंचा है। हो सकता है कि तुम्हारे इकरार करने से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके तुम्हें माफ कर दे। तुम झूठ बोलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर को वही के जरिए सारी बात बता देगा। अगर तुमने ये बात नहीं कही है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अपनी सफाई पेश कर दो और हलफ उठा लो। अब्दुल्ला बिन उबई ने फौरन झूठ बोल दिया और कसम खाकर इस बात का इनकार कर दिया। फिर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपके सामने भी आकर उसने झूठा हलफ उठाया, यानी झूठी कसम खाई और इनकार कर दिया कि उसने ये बात नहीं कही। अब वो था ही मुनाफिक, उसको झूठ सच से क्या मतलब था? उसका पलट जाना और उसका दोगलापन तो सब लोगों के सामने आया था, यानी खुला हुआ था। लेकिन उस वक्त जबान की बहुत कीमत होती थी, उसमें अगर कोई कसम उठा ले, कोई हलफ उठा ले तो सबको यकीन आ जाता था। अब्दुल्ला बिन उबई के हलफ उठाने पर मुसलमानों को यकीन आ गया कि अब्दुल्ला बिन उबई सच कह रहा है। अब सहाबा इकराम हजरत जैद को इल्ज़ाम देने लगे कि वो बच्चा है, उसने गलत सुना होगा। लेकिन हजरत जैद को इस बात का बहुत रंज था कि लोग उन्हें झूठा समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की कि वो अपने रसूल पर वही नाजिल फरमाए और मेरी बात की तस्दीक कर दे। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जैद रज़ियल्लाहु तआला की दुआ कबूल फरमाई और अब्दुल्ला बिन उबई के मुतालिक अपने रसूल की तरफ वही नाजिल फरमा कर झूठ और सच को खोल दिया। अब मुसलमानों का लश्कर तेजी के साथ मदीना की तरफ जा रहा था, सब तेजी से मदीना की तरफ जा रहे थे, सिर्फ खाने और आराम करने के लिए ही रुकते थे। एक रोज हजरत जैद के करीब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाकन हजरत जैद का कान पकड़कर फरमाया कि कान खोलकर सुन लो लड़के, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बात की तस्दीक कर दी है और मुनाफिकों का झूठ खोल कर रख दिया है।
इस तरह अब्दुल्ला बिन उबई की दगाबाजी और झूठ, हजरत जैद बिन अरकम की सच्चाई और खुलूस सबके सामने आ गया। मुसलमानों के सामने जब अब्दुल्ला बिन उबई के झूठ की पोल खुल गई तो उन्हें ख्याल हुआ कि शायद हुजूर उसके कत्ल का हुक्म फरमा दे। उधर इस वही के बाद अब्दुल्ला बिन उबई के पास जाकर लोग उसे और ज्यादा लानत और मलामत करने लगे। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे का नाम अब्दुल्ला था, मगर अब्दुल्ला निहायत सच्चे और पक्के मुसलमान थे। उन्हें भी ये सारी बातें मालूम हुई और उन्होंने ये भी सुना कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई की गर्दन मारने के लिए कहा था। इसलिए उन्हें ख्याल हुआ कि शायद हुजूर उनके बाप को कत्ल करने का हुक्म फरमा दे। इसी वजह से एक दिन वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम हुआ है कि आप मेरे बाप को कत्ल करना चाहते हैं। अगर आप इसका फैसला कर चुके हैं तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं आपकी इस मजलिस उठने से पहले उनकी गर्दन, यानी मेरे बाप की गर्दन आपके सामने पेश कर दूंगा। और या रसूल अल्लाह, अगर आपने मेरे सिवा किसी को मेरे बाप के कत्ल का हुक्म दे दिया और उन्होंने कत्ल कर दिया तो शायद मैं अपने बाप के कातिल को जिंदा नहीं देख सकूंगा, मैं उसे भी कत्ल कर दूंगा। फिर नतीजा ये होगा कि मेरे हाथों एक मुशरिक के बदले एक मोमिन कत्ल हो जाएगा और मैं दोजख में डाल दिया जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला पर उस वक्त, वो वक्त जो था, हजरत अब्दुल्ला पर बहुत ज्यादा सख्त था। एक तरफ तो खुदा, उसके रसूल की मोहब्बत और उस पर ईमान, और दूसरी तरफ अपने बाप की मोहब्बत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला को कदर की निगाह से देखा और फिर फरमाया कि मेरा तुम्हारे अब्बा को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं है और न मैंने उसके कत्ल का कोई हुक्म दिया है, बल्कि जब तक वो हमारे दरमियान है हम उसके साथ अच्छा मामला करेंगे और अखलाक से ही पेश आएंगे। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई की इतनी बड़ी शरारत के बावजूद उसको माफ कर दिया और उसके साथ अच्छा मामला फरमाया। अब्दुल्ला बिन उबई की इस शरारत की वजह से ये खतरा पैदा हो गया था कि मुहाजिरों और अंसारियों के दरमियान कहीं कोई फितना ना हो जाए, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ही लश्कर को कूच करने का ऐलान करा दिया ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ से हट जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर तेजी के साथ रवाना हुए कि रात और दिन चलते रहे, सिर्फ जरूरत की वजह से ही लश्कर रुकता, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव का हुक्म नहीं देते थे। इस सफर में एक और वाकया पेश आया। चलते चलते जब लश्कर मदीना के करीब पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव डालने का हुक्म दिया। मुसलसल चलने की वजह से सब मुसलमान बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी खेमे लगाने और आराम करने लगे। रात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले को फिर कूच करने का हुक्म दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और सारी उम्मत की अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला किसी अपनी जरूरियात से फारिग होने के लिए पड़ाव से काफी दूर चली गई थी और वो अपने गले में मोतियों का हार पहने हुई थी। जब जरूरत से फारिग होकर वो लश्कर के पास आई तो उन्होंने देखा कि उनके गले में वो हार नहीं है, तो वो समझ गई कि जहां पर वो कजाए हाजत के लिए गई थी वो मोतियों का हार वहीं पर शायद गिर गया है। हालांकि उस वक्त काफिला कूच की तैयारी कर रहा था, लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला हार ढूंढने के लिए फिर उसी जगह वापस हो गई। वहां जाने के बाद अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला को वो हार तो मिल गया मगर वो टूट गया था, उसके मोती बिखर गए थे। हजरत आयशा, उसको चुनने में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला को देर हो गई। उसके बाद जब वो वापस पड़ाव की जगह पर आई तो वहां पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आया, क्योंकि लश्कर उतनी देर में वहां से कूच कर चुका था। उधर काफले वाले ये समझ रहे थे कि अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ऊंट के अहदज पर बैठी हुई है और ऊंट लश्कर के बीचों बीच चल रहा है।
क्योंकि उस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, जिसकी वजह से अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अपने खीमे के अंदर ही रहती थी। और जब चलने का वक्त होता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा और हमारी अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला का हौदज उठाने वाले, यानी आपको उठाने वाले, हौदज को लाकर खीमे के दरवाजे से मिलाकर रख देते थे और पर्दे के पीछे से अम्मा जान उसमें बैठ जाती थी। उसके बाद हौदज उठाकर लोग जो है ऊंट पर रख देते थे और रवाना हो जाते थे। इस मर्तबा भी यही हुआ, हौदज उठाने वालों ने हौदज लाकर अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के खीमे से मिलाकर रख दिया और कुछ देर के बाद उसे उठाकर ऊंट पर कस दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला उस वक्त बहुत दुबली पतली थी और वजन में भी बहुत हल्की थी, इसलिए उठाने वालों को इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि उम्मुल मोमिनीन उसमें मौजूद है या नहीं है। उसके बाद उन्होंने खीमा उखाड़ा और तेजी के साथ रवाना हो गए। अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला समझ गई कि इस बार हौदज उठाने वालों को धोखा हुआ है। उसके बाद उन्हें यह भी यकीन हो गया कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हौदज में नहीं पाएंगे तो फौरन यही आदमी भेजेंगे कि मुझे तलाश करके लाए। इस ख्याल के साथ अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला को इत्मीनान हो गया और वो उसी जगह पर चादर तान कर लेट गई और तलाश में आने वालों का इंतजार करने लगी। हजरत सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह तआला हमेशा काफले के पीछे ही रहा करते थे ताकि काफले वालों की अगर कोई चीज रह गई हो या कुछ रास्ते में गिर गई हो तो वो उसे उठाकर उनके मालिकों तक पहुंचा दे। उस वक्त वो अपने ऊंट पर सवार थे। वो जब उस पड़ाव की जगह पर पहुंचे ताकि देखे कि कोई चीज काफले वालों की रह गई है या नहीं, तो अचानक उनकी नजर अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला पर पड़ी जो जमीन पर लेटी हुई थी। हजरत सफवान ने पर्दे के हुक्म से पहले अम्मा जान को देखा था, इसलिए फौरन अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला को देखकर पहचान लिया और इंतहाई हैरत के आलम में उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खुदा आप पर रहम करे, आप कैसे पीछे रह गई। उसके बाद हजरत सफवान ने फौरन अपना ऊंट हजरत आयशा के पास लाकर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के पास लाकर बिठा दिया और फरमाया कि अम्मा जान आप इस पर सवार हो जाइए। ये कहकर खुद हजरत सफवान वहां से दूर जाकर फासले पर जाकर खड़े हो गए और इंतजार करने लगे कि अम्मा जान ऊंट पर बैठ जाए। जब अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ऊंट पर सवार हो गई तब हजरत सफवान नजदीक आए और ऊंट की महार पकड़कर तेजी के साथ वहां से रवाना हो गए ताकि जल्दी से जाकर लश्कर के साथ जा मिले। लश्कर चूंकि बहुत तेजी से गया था इसलिए वो मदीना के सामने पहुंचकर ठहर चुका था। उसके बाद हजरत सफवान ऊंट को हाँकते हुए वहां पर पहुंचे जिस ऊंट पर अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला सवार थी। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था लश्कर से अलग अपने आदमियों के साथ बैठा हुआ था, तो सबसे पहले उसकी नजर इन पर पड़ी। उसके बाद मुसलमानों को मालूम हुआ कि अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला लश्कर से पीछे रह गई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर अम्मा जान ने अपने पीछे रह जाने का सबब बताया। उसके बाद यह काफिला यहां से चलकर मदीना में दाखिल हुआ। गज़वे बनू मुस्तलक में बहुत ज़बरदस्त माल गनीमत मुसलमानों को मिला था, उसमें सैकड़ों कैदी भी थे, मुसलमानों के गुलाम और बांदिया बन गए थे। उन कैदियों में बनू मुस्तलक के सरदार हारिस की बेटी जुवेरिया भी थी। ये एक मुसलमान हजरत साबित बिन कैस के हिस्से में आई थी। हजरत जुवेरिया ने चाहा कि वो हजरत साबित को अपनी कीमत देकर इस गुलामी से छुटकारा पा ले। उन्होंने हजरत साबित से कहा कि मैं तुम्हें कुछ कीमत दे देती हूँ, तुम मुझे आज़ाद कर दो। तो हजरत साबित तैयार हो गए। अब हजरत जुवेरिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई ताकि अपने मुआवजे के मुतालिक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद ले। हजरत जुवेरिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज किया कि मैं बनू मुस्तलक के सरदार हारिस की बेटी हूं और आज मुझ पर मुसीबत आई है और आपको मालूम है कि मैं साबित बिन कैस के हिस्से में आई हूं और मैं चाहती हूं कि अपनी जान की कीमत देकर मैं आज़ाद हो जाऊं, इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, अगर मैं तुम्हारे लिए
इससे भी अच्छी कोई सूरत पेश करूं तो क्या तुम कबूल करोगी? हजरत जुवेरी ने पूछा कि वो क्या या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया कि मैं तुम्हारी कीमत अदा कर देता हूं और तुम मेरे साथ निकाह कर लो। हजरत जुवेरिया ने इस मुबारक सूरत को फौरन कबूल फरमा लिया। हजरत जुवेरिया मुसलमान हो चुकी थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उनको आज़ाद करके उनसे निकाह कर लिया। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका और उनके कबीले का दर्जा बढ़ा दिया और हजरत जुवेरिया रजी अल्लाह तआला को बांदियों की सबसे निकाल कर उम्मत की माँ बना दिया और बनु मुस्तलक के लोगों को कैदियों की सबसे निकाल कर अपना ससुराली रिश्तेदार बना दिया। मुसलमानों को भी जब ये मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुवेरिया से निकाह कर लिया है तो उन्होंने भी सारे कैदियों को आज़ाद कर दिया जो मुस्तलक में उनको मिले थे और कहा कि ये लोग तो अब रसूल अल्लाह के ससुराली है। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुवेरिया रजी अल्लाह तआला से अपने यानी हजरत जुवेरिया रजी अल्लाह तआला को अपने निकाह में लाकर उनके पूरे कबीले के लिए खैर व बरकत के दरवाजे खोल दिए। इसलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला हजरत जुवेरिया रजी अल्लाह तआला के मुतालिक फरमाया करती थी कि जितनी जुवेरिया अपनी कौम के लिए खैर व बरकत का जरिया बनी है उतनी मेरे नज़दीक कोई दूसरी औरत नहीं बनी है। ग़ज़वे बनू मुस्तलक से वापसी में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला लश्कर से पीछे रह गई थी जो हमने अभी सुना और सबसे पहली नज़र मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई की उन पर पड़ी थी। मुनाफिकों का सरदार तो था और वो तो मुसलमानों का अंदर से बहुत सख्त दुश्मन था, इसलिए ये मौका उसके हाथ आ गया। उसने हजरत आयशा और हजरत सफवान के मुतालिक बेहुदा बातें बकनी शुरू कर दी, यानी उन दोनों पर तोहमत लगा दी और इस बात को सारे मदीना में फैलाना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने भी इन अफवाहों को सुना मगर वो समझ गए कि ये सब मुनाफिकों की बकवास है, लेकिन उनमें चंद मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने ये अफवाहें फैलाने में हिस्सा लिया। मुसलमानों में एक तो इस्लामी शायर हजरत हसान बिन साबित भी थे, दूसरे मिस्ता बिन असासा थे जो हजरत अबू बकर के रिश्तेदार थे और तीसरे हमना बिनते जहश जो कि उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिनते जहश की बहन यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बती बहन थी। उधर मुस्तलक से वापस आने के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की तबीयत खराब हो गई और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी अपने हुजरे में बीमार पड़ी हुई थी और उनकी बीमारी की वजह से उनकी वालिदा यानी उनकी माँ अपनी बेटी के पास आ गई थी और उनकी तैमारदारी यानी बीमारी में उनका ख्याल रख रही थी। चूंकि बनो मुस्तलक से वापस आकर अभी काफ़ी दिन गुजर चुके थे जिससे ये अफवाहें जब से ही ये सारी अफवाहें फैल रही थी मगर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला को कुछ भी पता नहीं था कि बाहर लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। और अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की वालिदा यानी अम्मी हजरत उम्मे रुमान भी ये सारी अफवाहें सुन चुकी थी मगर उन्होंने कभी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला यानी अपनी बेटी से इसका जिक्र तक नहीं किया। शुरू में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन अफवाहों का पता नहीं चला था मगर कुछ दिन के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी ये अफवाह ये खबर पहुंच गई। इस खबर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सदमा और बेहद अफसोस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की यानी अपनी बीवी की इफ़त और पाक दामनी को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गहरा सदमा हुआ। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 62वें हिस्से में यानी पार्ट 62 में हम इसी वाक्य को कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि इस तोहमत लगाने के बाद अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला पर इस बोहतान लगाने के बाद और जब खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना गहरा सदमा हुआ, फिर अम्मा जान को जब इसकी खबर हुई तो आपका क्या हाल हुआ और फिर आपके यानी अम्मा जान के वालिद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला को जब ये वाकई की खबर हुई तो उन पर क्या बीती, मदीना का क्या माहौल था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे का क्या माहौल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के साथ कैसा मामला किया और फिर अम्मा जान की
पाक दामनी में अल्लाह तबारक व ताला ने कौन सी आयत नाजिल फरमाई और उसके बाद अब्दुल्ला बिन उबई का क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह कल हम 62वें हिस्से में यानी पार्ट 62 में सुनेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और इस सीरीज़ की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक कमेंट क्यों नहीं होता, आप ज़रूर करें। मैं देख रहा हूँ कि पिछली बार से इस बार की वीडियोज़ को व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो देखिए आप इस सीरीज के वीडियोस को आप एंटरटेनमेंट और मजेदार और लच्छेदार के चक्कर में आप न पड़े, बल्कि इसको आप मालूमात और नॉलेज के हिसाब से आप सुने। आपको इंशाल्लाह हर वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मिल रहा होगा, आपके कमेंट से पता चलता है। तो आप इन सारे वीडियोस को देखें, अपने घर वालों को बताएं, अपने दोस्तों को अपने खानदान में शेयर करें और उन्हें ताकीद करें कि वो थोड़ा सा वक्त निकाल कर, जैसे कि 20 मिनट रोज़ाना निकालने में क्या हरज है, अगर 20 मिनट निकाल कर अगर वो इस सीरीज़ के वीडियोस को देख लेते हैं तो घर बैठे बैठे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उनके सामने आ जाएंगी और हर कोई अपने प्यारे नबी के बारे में घर बैठे ही उसको सारी मालूमात हो जाएगी। तो ये बड़ा आसान काम है, इससे ज़्यादा सहूलत वाला काम तो कोई हो भी नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि आप ये काम ज़रूर करेंगे, ठीक है। तब तक आप, और हाँ एक बात मुझे ये कहनी है कि कल हमारा यानी गुजरे हुए कल हमने क्विज़ कंपटीशन जी गाइस, तो क्विज कंपटीशन तो चला गया 14 फेब को था क्विज कंपटीशन, बट वो काफ़ी पुरानी बात हो गई। और प्लीज़ अगर आप हमारी वीडियो देखें ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अब्दुल राशिद मिफ्ताही साहब की वीडियो ज़रूर देखें, इनको बहुत मेहनत लगती है बनाने में। मैं सुन रहा था सात 8-8 घंटे लगते हैं इनको, हमारा तो बहुत आसान है वीडियो देख के उसके ऊपर बोलना, तो कुछ नहीं है ये, मतलब इनकी जो असली मेहनत है वो इनकी है। ये इतने घंटे लगाकर पूरा बनाते हैं कि क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है ये चीज़ें। इनको छोटे छोटे हर एक के नाम भी पता होते हैं, मैं उस टाइम ये सोच रही थी कि इनको इतना भी पता है कि उनके नाम क्या था उसका नाम क्या था, हर एक के नाम बिल्कुल। तो आप प्लीज़ इनकी वीडियो ज़रूर देखिए और इनकी वीडियो आप शेयर ज़रूर करिए, वो इतना अच्छा, और एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से नहीं देखनी है वीडियो, ये नॉलेज के पर्पज़ से देखनी है, हमें नॉलेज गेन करनी है, हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उन्होंने कैसे बिताई, क्या किया, क्या नहीं किया, उस उन्हें समझने के लिए ये पूरी सीरीज़ देखनी है और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को शेयर करनी है। तो आज का जब वो वाक्य बताया ना, जब सारे थे वहाँ पर, थे वहाँ से जब पूरा वो जा रहा था कहीं और पर, तो जब बात की कि अम्मी आयशा कहीं गई थी और उन्होंने हार पहना हुआ था, तो मेरे माइंड में वो आ गया, हमने एक वीडियो करी थी हार वाली, वही लगा है, तो वही वाक्य आ गया कि उनका हार ना ऊंट खो गया होगा और ऊंट के वही मिलेगा। तो जैसे उन्होंने बोला कि हार गले में था नहीं, मैं समझे पक्का वही आई है, बट ये कुछ और इंसिडेंट था, ये अलग था। इसमें ये था कि उनका हार ना कहीं गिर गया था, तो उन्होंने देखा वहां जाकर वहीं पर था, वो टूट गया था, उसमें मोती थे, मोती वो अलग अलग जगह फैल गए थे, तो उनको उठाते उठाते अम्मी आयशा को टाइम लग गया, जिस वजह से जो पूरा कबीला था वो चला गया। तो अम्मी आयशा ने भी ये सोचा कि वो अकेले तो नहीं जा पाएंगे इतना दूर, तो उन्होंने यही लगाया कि जब हुजूर को पता लगेगा तो हुजूर उनको ढूंढने के लिए किसी ना किसी को भेजेंगे पीछे। तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं वेट करती हूँ, तो अम्मी आयशा वहीं वेट कर रही थी, और कबीले में एक ऐसा शख्स थे जो सबसे एंड में चलते थे, तो वो जब पूरा पूरा लश्कर पूरा चल पड़ा, लश्कर ही कहीं था, जब पूरा चल हुजूर और उनके साथी पूरा चल पड़े मदीना के लिए, तो वो पीछे से आए, उन्होंने देखा कि अम्मी आयशा लेटी हुई हैं, तो फिर वो अपना ऊँट उन्होंने अम्मी आयशा को दे दिया और फिर वो चल दिए और अम्मी आयशा और वो हुजूर के पास चले गए और हुजूर से मिल गए। बट एक जो शख्स था, अब्दुल्ला पूरा नाम क्या था उनका, अब्दुल्ला करके था कोई शख्स, वो झूठे आरोप लगा रहा था, वो अम्मी आयशा को एक तरह से किसी दूसरे के साथ बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका काम ही यही था, पीछे भी वो ऐसा काम कर रहा था कि मैं मदीना जाके सारे जो ये बाहर के लोग हैं इनको निकाल दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो
उन्होंने तो नहीं, उन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया, इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो यहूदी थे ना फिर थे वो, वो जो बोलते हैं कि वो जो मिल जाते हैं ऊपर से ऐसे बिलीव करते हैं, वैसे तो यहूदी थे ना, वैसे तो यहूदी थे। तो अब देखो उन्होंने जो अभी एक गलत किया है, जो गलत काम, पहली जो उन्होंने वो बोला था वो हुजूर को पता लग गया था, बट हुजूर क्या कि उन्होंने गलत में मतलब वो झूठी कसमें खा ली, माफ कर दिया था हुजूर ने, कसमें खा ली झूठी, उस टाइम ना कसमों का काफी वैल्यू होती थी, बट उन्होंने झूठी कसमें खा के हुजूर ने उनको बख्श दिया था एक बार। तो अब ये दोबारा इतना बड़ा ये गुनाह करने जा रहे हैं, तो अब पार्ट 62 में पता लगेगा कि इनका क्या अंजाम होता है। तो बने रही आप हमारे साथ, देखते हैं पार्ट 62 में। हाँ, और इसमें एक ये बात भी हुई, एक निकाह और किया मोहम्मद, उनका नाम हमारे माइंड से स्किप हो गया। हाँ, वो दासी थी एक, हाँ है ना, और तो फिर उन्होंने उस वजह से उनसे शादी कर ली थी। कुरेश के किसी सरदार की वो बेटी थी, तो बाद में वो दासी बन गई थी, फिर हुजूर ने उनको शादी किया। तो उनकी कौम के भी जो हुजूर के साथी थे, जो सहाबास थे, उनकी कौम के जो सारे लोग थे ना, उनको भी रिहा कर दिया कि आप तो एक तरह से समधी हो गए, तो आपको क्या अब दास बनाना, कैदी थे वो भी उनको भी छोड़ दिया बिल्कुल इसी वजह से। तो देखेंगे फिर पार्ट 62 में क्या हुआ, जिसने तोहमत लगाई हजरत आयशा के ऊपर, और किस तरह से फिर क्या करेंगे, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।